हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा भू राजस्व अधिनियम में किए गए संशोधन का संयुक्त पटवार कानूनंगों संघ द्वारा विरोध किया गया है। बुधवार को तमाम पटवारी और कानूनंगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने सीधे शब्दों में कहा कि सरकार को हर हाल में इस विधेयक पर पुनर्विचार करना होगा, अन्यथा पटवारी और कानूनंगों संघ को अनिश्चितकालीन पेन डाउन स्ट्राइक करने पर मजबूर होना पड़ेगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होगी। अभी हाल ही में विधानसभा में एक लैंड रेवेन्यू एक्ट में अमेंडमेंट की गई, जो कि 69 ईयर्स के बाद की गई है। हम उसका धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं, परंतु वो धरातल पर लागू करने से पहले हमारे महासंघ से भी एक मीटिंग करनी चाहिए थी या चर्चा करनी चाहिए थी इसको धरातल पर कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। जैसे निशानदेही का है इसमें मुख्यतः, जैसे निशानदेही का इन्होंने 2 माह की समय अवधि निश्चित की गई है, जो 2 माह की समय अवधि निश्चित की गई है वो जब से आदमी प्रार्थी दरखास्त देगा निशानदेही की उस दिन से लागू हो जाएगी। जबकि जहाँ पर जो वातावरण है बरसात में 2-3 महीने बारिश रहती है, फसल खड़ी रहती है, वो हम नहीं कर सकते हैं। हमारे पास जैसे महीने में 50 फाइलें निशानदेही की आती हैं, जो कानगो को फील्ड में काम करने के लिए मात्र 5 या 7 दिन ही मिलते हैं। इसलिए हमारी सरकार से गुजारिश है कि हमारे से स्टेट कार्यकारिणी के साथ एक मीटिंग करें, उसके बाद इसे धरातल पर लागू करें। यही हमारी आप सरकार से विनम्र निवेदन है। इस विधेयक के लागू होने से पहले हमने सरकार को एक मतलब डिमांड की थी कि हमें सुना जाए, और हमने विधानसभा में लागू होने से पहले भी माननीय राजस्व मंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री से भी चर्चा की। इसमें मेरा हिमाचल प्रदेश के समस्त पटवारी एवं कानूनगो को जो समस्या का है, जो हम इसमें संशोधन निशानदेही और तकसीम में हुआ है, वो स्पोर्ट से रिलेटेड है। हमारा ये मानना है कि तकसीम अच्छी हो, उसकी अपील ना हो, उसके लिए हमें स्पोर्ट देखना होता है, मौका देखना होता है। और जियोग्राफिकली हिमाचल की पोजीशन ऐसी है कि जहाँ पे हमारे फसल होती है, बरसात होती है, पहाड़ों में घास नहीं होती है, तो वहाँ पे स्पोर्ट के काम तकसीम और निशानदेही के समयबद्ध 2 महीने में नहीं निपटाए जा सकते। तो हमारा जितना संशोधन हुआ है उसमें हम स्वागत करते हैं सरकार का कि लोगों के काम में तेजी आए, लेकिन पटवारियों को निपटाना, और उसमें एक और क्लोज किया, समय अवधि तो पहले भी थी लेकिन साथ साथ कानून में ये प्रावधान किया है कि यदि तय समय अवधि में पटवारी कानूनगो काम नहीं निपटा पाता है तो उसको रिटर्न स्पष्टीकरण होगा, उसके अगेंस्ट कार्रवाई होगी। तो मैं जहाँ पे आप सभी प्रबुद्ध जनता से, जिम्मेदारों से पूछना चाहता हूँ कि आपकी फसल खड़ी है और उसमें निशानदेही हो नहीं सकती, आप एप्लीकेशन दे रहे हो कि हमारी फसल खड़ी है, तो ऐसे में हमें लिखता पढ़ी में टाइम ज़्यादा वेस्ट करने की बजाय हमें काम की ओर ध्यान देना होगा।